टुडे वी लर्न एक्सरसाइज 12.3 12.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमेंट्स मैथ से। आपके पास देखे क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास फाइंड द वेक्टर पी क्यू वेक्टर, आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, वेयर जो पी पॉइंट्स गिवन आपके पास वो है -1 -2 और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है -5 एंड -6। ठीक है, ये आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं। देखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द गिवन पॉइंट्स आर पी -1 -2 एंड क्यू -5 -6। ठीक है, तो फार्मूला भी यही साथ की साथ बता देते हैं। हेयर x1 इज इक्वल टू क्या है माइनस, ये x1 y1 आपके पास, x2 कितना है -5, y1 कितना है -2 और y2 कितना बच्चा -6। ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या है x1 y1 और जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या है x2 y2। तो देयरफॉर pq वेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इसका x2 -x1 i कैप + y2 -y1 j कैप। x2 - x1 करेंगे तो -5 + 1 क्या आएगा -4 i और ये क्या आ जाएगा माइनस के 4 j कैप। ठीक, उसने इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा तो आल्सो p क्या होगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर + j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 + 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट और इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप पैरेलल सॉल्व करेंगे, उसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, आपने सम ऑफ द वेक्टर्स निकालना है। तीन वेक्टर आपके पास गिवन है ए बी सी, तो आप लिखेंगे लेट R वेक्टर बी द सम ऑफ द वेक्टर्स, लेट R वेक्टर बी द सम ऑफ द वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर, देन R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर + B + C। वैल्यू पुट कर देंगे I -2j +4k + -2i +4j +5j + i -6j -7k ऐड कर लेंगे बच्चों। देखिए i -2i और i 2i और ये 0i, फिर जे वाले ऐड कर लेंगे -4j और +2k कैप, ये आ जाएगा -4j कैप +2k कैप। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, अपने यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। देखिए इसका फार्मूला क्या है उसको हम लिख देते हैं साथ में, लिखेगा द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए वेक्टर, पैरेलल का मतलब है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय, क्या होता है बच्चों यूनिट वेक्टर पैरेलल ए वेक्टर के, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, ए वेक्टर लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3i कैप + j कैप गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3 + 1 भी आ जाएगा 2।
तो देयर फॉर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये कितना आ रहा 1/2 इंटू में स्क्वायर रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है ये आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आप खुद ट्राई करेंगे, देखिए क्या, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है तो दो वेक्टर की होना है तो आर वेक्टर तो ले लेंगे सम, लेट आर वेक्टर बी द सम ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है दोनों का क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा बच्चों, आर कैप किसके इक्वल हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप सेम करेंगे। उसके बाद जो बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन है, जो क्वेश्चन नंबर सेवन को करने से पहले आप एग्जांपल नंबर सिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है एग्जांपल नंबर सिक्स के पैटर्न पे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन है। देखिए क्या कहता है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 5। पहले तो आप ए वेक्टर लेके ए कैप निकाल लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा हेंस द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5, वो क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या लिखेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 6 पढ़ लेंगे बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लास्ट लाइन में बता देता हूँ, आप लिखेंगे हेंस द वेक्टर इन द डायरेक्शन, हेंस द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड having magnitude 5 is equal to क्या हो जाएगा 5 a cap, ठीक है a cap आपको सॉल्व करना था a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, सम निकालना बच्चे, दो वेक्टर गिवन आपके पास, देखो लेट a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर आपका गिवन है 3i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस के 2k कैप, और सी वेक्टर गिवन आपके पास माइनस 2i प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है सब निकालना है तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर केजे का सम कितना आएगा 2i प्लस 3j एंड 2k से 2k कैंसिल प्लस 6k, ठीक है मॉडुलस, देयरफॉर मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। उसके बाद निकालना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ठीक है तो लिखेंगे आल्सो, ये एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है यूनिट वेक्टर पे, आल्सो आल्सो द यूनिट वेक्टर, आल्सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ In the direction of a vector plus b vector plus c vector is equal to क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या आता है बच्चे vector a vector b vector plus c vector, नीचे क्या आता है उसका modulus b plus c का modulus, यहाँ जगह 1/7 और sum किसके equal आ रहा 2y plus 3j plus 6k, ठीक है इस तरीके से आप करेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द पॉइंट 5 एन इज सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन देखिए हियर ए वेक्टर इज द Here a vector is the position vector of point
5. A vector is the position vector of the point 5. That is, A vector किसके इक्वल, जो ये point है बच्चों, इस पे i j लगा दीजिए, 5i plus n j cap. इसका modulus लीजिए, is equal to 25 plus n का square root. ठीक है, लेकिन a का जो magnitude है वो किसके इक्वल गया ना, 13 के. 13 is equal to 25 plus n square root. This implies 169 is equal to 25 plus n square. This implies n square is equal to 144. This implies n is equal to plus minus 12. तो n की वैल्यू उसने हमारे से पूछी थी, तो n की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 12 आपके पास आ जाएगी. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले आप अपने एलिमेंट्स की जो बुक है उसमें एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे. एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि जो ये तीन पॉइंट है बच्चों, ये कोलिनियर है आपके पास. ठीक है, कोलिनियर अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर एक पॉइंट जो है उसमें कॉमन आ जाता है, दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो इसके लिए आप जो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 13 कोलिनियर पे डिपेंड क्वेश्चन है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को जो है सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. 12 देखिए बच्चे, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर, ए बी सी डी के पोजिशन वेक्टर गिवन आपके पास, सो दैट लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. देखिए, ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल कब होंगी, जब ये वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाएंगे. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, पोजिशन वेक्टर गिवन है. देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इसके इक्वल गिवन है 4i प्लस 3j माइनस के कैप. पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. उसके बाद पोजिशन वेक्टर ऑफ सी 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप. और उसके बाद पोजिशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k. आपको क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करने हैं. तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k एंड सी डी वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, क्या लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी. तो ये इक्वल आएगा आपके पास 2i कैप डी माइनस सी माइनस 2j और प्लस 6k. 2 कॉमन ले लेंगे, i माइनस j प्लस 3k. दिस इंप्लाइज क्या है यहाँ से, देयरफॉर तो सी डी वेक्टर ये क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर के, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ए बी वेक्टर की. इसका मतलब द वेक्टर्स ए बी वेक्टर एंड सी डी आर पैरेलल. अगर एक पॉइंट कॉमन आ जाते हैं, मे बी सी डी अलग अलग है ना, तो कोलिनियर हो जाते हैं. तो अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो लाइंस भी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल. हेंस लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, लाइंस भी आपके पास क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट आपके पास. If A, B, C, D are the vertices of a quadrilateral, so that आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल आई सी डी के एंड ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी. यानी कि अब की बार जो स्केलर है वो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1/2. ठीक है,
तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट हैं वो लगभग सेम रहेंगे। देखिए गिवन वर्टिसेज आपके पास गिवन है, ठीक है, कर लेते हैं एक पार्ट हम। 13 का फर्स्ट देखिए, द गिवन वर्टिसेज आर, एक कोऑर्डिनेट है 1 1 1, बी के है 2 5 0, सी के गिवन है 3 2 -3 एंड डी के हैं 1 -6 एंड माइनस, ठीक है। पोजिशन वेक्टर ऑफ ये वर्टिसेज क्यों ना आई आई जे के लगा दीजिए, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस ए कैप। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 2i + 5j कैप, प्लस क्या आएगा 0 के, उसको लिखें ना लिखें। उसके बाद पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j - 3 के। पोजिशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू i - 6j - 1 कैप, उसके बाद लिखेंगे। तो ये हमने लिखे हैं पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद अब निकालते हैं ए बी वेक्टर, तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा i + 4j - 5j, ये आ जाएगा k। उसके बाद लेंगे सी डी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ है सी, तो ये आ जाएगा जी -2i - 8j + 2k। -2 कॉमन ले लेंगे, i + 4j - k इज इक्वल टू -2i, और क्या आ जाएगा ए बी वेक्टर। इसका मतलब ए बी और सी डी वेक्टर क्या है, पैरेलल। दस दस द वेक्टर्स ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे गए। उसके बाद आल्सो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 सी डी वेक्टर, क्योंकि सी डी यहां से रिलेशन देखो ना, सी डी वेक्टर किसके इक्वल है इसके, तो 2 को उस साइड में ले गए। दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 का मॉडुलस और सी डी वेक्टर का मॉडुलस, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी, ये हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास इसी, देखिए क्या है 14 में बच्चों, डी पॉइंट निकालना है। तो जो डी है उसको आप क्या कर लेंगे, उसका एक्स वाई जेड ले लेंगे। लेट डी एक्स वाई जेड बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसके बाद अपनी जो कंडीशन है उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बड़ा सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 15 में क्या कहता है कि आपके पास तीन वो गिवन है वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, तो आप निकालेंगे पहले ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो यह आएगा आपके पास i + j - 2k। उसके बाद निकालेंगे बी सी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन, ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बी सी वेक्टर आएगा i - 2j, आप कंप्लीट लिखेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। सिमिलरली आप निकालेंगे सी ए वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, ये आपके पास आएगा -2i + j + क्या आ जाएगा k। इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड कैसे होनी चाहिए, इक्वल। नाउ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 1 + 1 और +-2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √6। सिमिलरली बी सी निकालेंगे,
बी सी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 + 4 + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट। उसके बाद सी ए, सी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयर फोर साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आप एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ लेंगे एक बार। देखिए 16 क्या, इफ ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, आइसोसेल्स हमें जो है वो प्रूव करनी है कि ये वो ट्रायंगल आइसोसेल्स हो जाएगी, यानी कि दो साइड उसकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये पोजिशन वैक्टर क्यों होना, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल के वर्टिसिज हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए ट्रायंगल के वर्टिसेस के लिए लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए B and C respectively, then ये आपके पास क्या है A B C be the position vector of the points A B C respectively, then A vector तो point है वो क्या गिवन है 2 0 0, तो A vector क्या बनेगा वहां से 2i + 0j + k, B vector क्या बनेगा बच्चों क्योंकि 0 1 0 गिवन है, और C vector क्या बनेगा 2k का पॉइंट क्या गिवन है 0 0 2। देयरफॉर ए बी वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा -2i + j का, ये तो बन गया ए बी वेक्टर। उसके बाद है बी सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, ये बनेगा -j + 2k। उसके बाद सी ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी 2i - 2k। देयरफॉर सम करिए सबका, देयरफॉर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर सम करेंगे 2i कैंसिल, k किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर ये तीनों 0 के इक्वल आए हैं इसका मतलब ये श्योरिटी होगी जो जो ए बी सी है बच्चे वो क्या है कि ट्रायंगल है, ये वेक्टर में एक रिजल्ट होता है क्योंकि उसने ट्रायंगल मेंशन नहीं की है, वर्टिसेस किसके हैं, उसने पोजीशन वेक्टर मेंशन किए हैं। अब इसको आइसोसेल्स प्रूव करेंगे, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर निकाला था हमने -2i + जी, तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √5। फिर निकालेंगे बी सी, ये आ जाएगा बी सी का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आएगा √5। उसके बाद सी ए, ये क्या आ जाएगा सी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर + क्या था ये -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, दो साइड कैसे हैं इक्वल, लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आपके पास क्या सी हो जाएगी आइसोसेल्स, जो ट्रायंगल है वो हो जाएगी। ठीक है,
एक्सरसाइज 12.3 को हमने सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 12.3। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 12.4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।